स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे। धरती माता करे पुकार, धरती माता करे सुधार, धरती माता करे पुकार, धरती माता करे पुकार। आस पास का करो सुधार, देखो ये लगा ये लिखा है, आस पास का करो सुधार, आस पास का करो सुधार, तुम्हें जो कहा, तुम्हें जो कहा, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार। आस का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, धरती माता आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार। स्वच्छ रहेंगे, 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 स्वच्छ रहेंगे। धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार। स्वच्छ रहेंगे, 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 स्वच्छ रहेंगे। धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, 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 आस पास का करो सुधार। स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार। स्वच्छ रहेंगे, 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 धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार। स्वच्छ रहेंगे, बच्चों ने बहुत अच्छा त्यौहार किया, बच्चों को भी यह रैली हमेशा याद रहेगी। बच्चे ही इस दिन का बहुत सोते हैं, जब तक बच्चों में जानकारी नहीं आएगी जागरूकता के बाद सत्ता के बारे में, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। बचपन ही आगे भविष्य कैसे तय होगा, बचपन में बच्चों को सिखाना पड़ेगा, उनको समझाना होगा। स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारे आसपास गंदगी है, गंदगी का वातावरण है, तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, क्योंकि जहाँ गंदगी होगी वहाँ कीटाणु पल जाएंगे, बीमारियां आएंगी। इसलिए सबसे मुख्य कार्य है, अगर हमें बीमारी से बचना है तो हम आप
साथ ही साथ क्या है, अगर हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो हमारे गांव का नाम भी होगा। हमें एक ऐसी पहचान बनानी है अपने गांव की, ताकि आपके गांव में कोई भी बाहर के व्यक्ति आए वो उस सड़क पर चाहे करके भी थूक ना सके। भाई थूकता आदमी वही है जहां गंदगी होती है। अगर किसी को कहा जाए कि ये फर्श साफ सुथरा है, वो यहाँ थूकते नहीं थूके, वही थूकेगा जहां गंदगी हो। इसलिए गंदगी का नाम और निशाना अपने यहाँ से दूर कर लें, नालियों को साफ रखें। अगर नालियां साफ रहेंगी तो मच्छर नहीं आएंगे। इस समय देखिए गंदगी का कारण ही सारी फ्लू है। जो वर्तमान समय में हजारों लोग बीमार हो रहे हैं, जो बीमारी लगभग लाइलाज की स्थिति में पहुंच गई, जब हमारे हाथ में है तो क्या हम नहीं कर सकते? हमारे देश में हमारा देश आजाद हुआ जब एक व्यक्ति ने, जिसको आज हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, उनके एक आह्वान पर उनके हाथ में क्या था, एक संकल्प था कि अपने देश को आजादी दिलानी है। अगर प्रत्येक व्यक्ति इसी कार्य के लिए संकल्प कर ले तो निश्चित है कि वह उस कार्य को प्राप्त कर लेगा। आपने मुहावरे को उसने सुना होगा, असंभव कुछ भी नहीं। मन में अगर हमारे अंदर विश्वास है, हम मान लें तो हम असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता मनुष्य में है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे देश को भ्रमण किया, लोगों को जागरूकता पैदा की, आंदोलन शुरू हुआ, अपने देश को आजाद कराया। आज हम आपको राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। उन्होंने आजादी के साथ साथ उनका एक स्वयं का कार्य था सफाई। सफाई पर वो विशेष ध्यान रखते थे। लोगों को कहते थे साफ सुथरा रहिए, स्वदेशी वस्त्र पहनिए। भाई हम किसी के ऊपर सफाई करने की जिम्मेदारी तो डाले, भाई नुकसान हमारा होगा। अगर हम गंदगी में रहेंगे तो नुकसान हमारा होगा। बाहर से आए हुए महान भाव और मेरे समस्त ग्रामवासी आदरणीय, सभी लोगों के लिए ये जो अपने प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया अभियान है और इस पे सब लोग विशेष ध्यान दें सफाई के बारे में, क्योंकि जो बीमारी अपने यहाँ एक स्वयं क्यों चल रही है वो वास्तव में बहुत खतरनाक है। अपने गांव में ना समझ के कारण आदमी उसको समझ नहीं पा रहा, और ये बीमारियों से दूर होने के लिए ही ये सब पैसा जो सब लोगों को यहाँ भेजा जा रहा है, ये सब हो रहा है। ये कोई नाटक नहीं है, ये वास्तव में आदमी के जो गांव में रहते हैं, जो आदमी इलाज नहीं करा सकता है, इतना महंगा इलाज होता है आदमी का कि साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए ये जो जागरूकता रैली गांव में हो रही है इसको अध्यक्ष महोदय एवं समस्त अधिकारीगण यहाँ विराजमान है, वो सबके लिए मेरा नमन वंदन एवं ग्रामवासी और छोटे नन्हे मन्ने कुछ बच्चे जो आए हुए हैं उन सबके लिए मेरा प्यार। जैसा कि आप लोगों को अवगत होना चाहिए कि अपना महोबा जो है आलाउदर की जन्मभूमि, तो यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और अपना यह सौभाग्य है कि इतने बड़े जिले हैं हमीरपुर है, और ये महोबा का अपना ग्राम चौपामा आदर्श गांव सांसद जी ने बोल दिया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम सब भाइयों को मिलकर के कोई भी पदाधिकारी किसी भी विभाग का आवर नहीं है पता कि जी किस विभाग से आ रहे हैं, तो उससे व्यवहार अच्छी ढंग से बांटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जन कोई आए थे यहाँ पर तो बता रहे थे कि भाई सड़क पर छोटे छोटे नाबालक बच्चे घूम रहे थे और वे गुटका आदि चीज खा रहे थे और भी चीज ले रहे थे, लेकिन वो मुझे नहीं बताना चाहिए। अगर आप लोग समझदार हैं कि हमको विषैली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जब हम माता पिता नहीं करेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी नहीं करेंगे। यदि हम उस जिस चीज को अच्छी चीज हो उसको खाइए, बुरी चीजों को नशीली चीजों के ऊपर मत ध्यान दीजिए। और यही
और बोलने के लिए तो और भी मैं काफी चीजें बताता हूँ। यहाँ पर आदर्श गांव के संबंध में हर चीज हो जाएगी, किसी भी चीज का ऐसा नहीं रहेगा कि या कमी रहेगी। बैंक भी होगी, खाद की सोसाइटी भी बनेगी, विद्यालय भी बनेगा। मेरी तो ये मनोकामना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वे विद्यालय इनका तक निश्चित ही चलेगा। तो यदि नहीं चल पाएगा तो मैं व्यक्तिगत रिटायर होने के बाद मैं भी सर्विस करता रहा, अध्यापक हूँ, तो मैं अपनी भी पेंशन से 9th और 10th जरूर ही लगवाऊंगा। अब ये सौभाग्य है, आदर्श गांव है, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सामूहिक सार्वजनिक शिक्षा के मामले से लेकर स्वास्थ्य विभाग, बैंक आदि सब चीजों की सुविधा हो जाएगी। लेकिन हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे लिए मत सोचिए कि मेरे लिए मकान नहीं आ रहा, मेरे लिए पेंशन नहीं मिल रही है, मुझे समानवादी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, मेरा पीला लाल सफेद परवाने सब चीजों को भूल जाइए। सबको सारी सुविधा मिलेगी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, सारी चीजें हो जाएंगी। महोदय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय एवं मंच में विराजमान सभी गणमान्य उपस्थित सभी मेरे भाई बहन। आज जैसा ये कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान, आप लोगों को जानकारी देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर। वास्तव में ये बहुत बड़ा कदम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। यदि हमारा देश स्वच्छ हो जाए तो हम बहुत तरक्की कर जाएंगे, हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। हमारा देश तरक्की करता जा रहा है लेकिन हम स्वच्छता के मामले में पीछे आ रहे हैं, तो स्वच्छता के मामले में भी हमें आगे जाना होगा। स्वच्छता के मामले में हमारा देश पीढ़ियों से पीछे रहा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, सन 1887 में विलियम चार्ल्स नाम के अंग्रेज भारत में आए। पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद में जब जाने लगे तो उनसे हमारे देश के कुछ गणमान्य नागरिकों ने पूछा कि इस आपके भ्रमण का यात्रा का रिजल्ट क्या रहा, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज कही कि हमारा जो भारत भ्रमण का रिजल्ट रहा बहुत ही अच्छा रहा। उसमें ये है कि अगर पूछा जाए कि सभी देशों का नेतृत्व कौन कर सकता है तो भारत कर सकता है, लेकिन एक व्यंग भी कसा हमारे देश के ऊपर, यदि हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति जंगलों में छूट जाए, खो जाए जंगलों में, जिस तरफ चारों तरफ 12-12 कोस तक कोई गांव ना हो, सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाए और जिस तरफ से गंदगी आती हुई दे मतलब महसूस हो गंदगी आती हुई, तो उस ओर चला जाए तो शीघ्र ही कोई ना कोई गांव लग जाएगा। देखिए कितना बड़ा व्यंग है कि जिस ओर अगर कोई गंदगी आ रही है उस ओर हम जाएंगे तो गांव मिल जाएगा, यानी कि गंदगी की तरफ गांव है। तो इस पर हम लोगों को विचार करना है कि इतना बड़ा एक व्यक्ति हमारे देश के लिए व्यंग कस के चला गया, ऐसा पुनः ना हो। हम ऐसी सोच अपने बच्चों को अब सिखाएं कि और खुद अमल करें कि हम शौचालय बनवाए, हमारी माँ बेटी घर के बाहर ना जाए और स्वरोजगार के लिए भी ध्यान दें। स्वरोजगार के लिए जो बेरोजगारी है, नौजवान युवक है हमारे साथ में आए और हमसे जुड़ करके रोजगार शुरू करें अपना अपना, जैसे मशरूम उत्पादन है, अचार मुरब्बा हो गया, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हो गया, इस तरह से आकर के आप अपना अपना रोजगार शुरू कर दें। जो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, ताश पत्ते खेल रहे हैं, जुआ शराब ये सब कर रहे हैं, ये छोड़िए, इससे हमारा भविष्य नहीं बनना है। हमारा भविष्य बनना है अपने काम से, काम करें, हम अपने जीवन को पहचाने। अगर हम जीवन को पहचान करके आगे बढ़ेंगे तो हम दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहेंगे। मैं आप लोगों के साथ में हूँ, आप मेरा सहयोग करिए तो निश्चय ही सब लोग बेरोजगार से उभर जाएंगे, सबको स्वरोजगार मिल जाएगा और गरीबी दूर हट जाएगी, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने पास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। महिलाएं एवं बच्चे चले गए हैं, आप सभी को नाबार्ड की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बात सही है।
देखिए सर्वप्रथम तो आप ये मानिए कि आपके गांव को यहाँ के सांसद ने चुना है आदर्श ग्राम के लिए, तो बहुत ही सभा की बात आपके लोगों के लिए है, क्योंकि अब वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी इसका लगभग हर 3 महीने पे एक रिव्यू करते हैं कि इन गांव में वो क्या रहा है। तो इसमें बड़ी खबर इसके प्रोग्राम की ये है, इसमें अलग से फंड नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए कि कितना हम 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ दे रहे हैं गाँव विकास के लिए। प्रधानमंत्री जी का कहना यह है कि इतने जो योजनाएं चल रही है विभिन्न बैंकों के विभिन्न संस्थानों की, उस पर भी इलाके में काम करना है। मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे होता था कि इस गांव में 50 हैदराबाद बनेंगे या इतनी रोड बनेगी, इस सप्ताह नहीं, उनका कहना है कि जो बाकी है कार्य चल रहे हैं साथ में इस गांव में सारे चीजों का एक कन्वर्जेंस बोलते हैं, मतलब सारी योजनाओं का एकीकरण यहाँ तक करना है हम लोगों को, तभी विकास करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो गांव आपके आपको चुना गया अभी आपको समझ नहीं, लेकिन आप एक सौ बार देखेगा आपका फर्क अनुभव होगा कि जो योजनाएं आएंगी या जो कार्य आज सरकार अगर लाएगी स्पेशल रूल से, तो आपके गांव को बदल दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा इस चीज के बारे में। अब दूसरे आते हैं, जिस हमने जो आज स्वच्छ भारत अभियान के लिए मैंने बुलाया आप लोगों को यहाँ पे, भैया शांत रहो, 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की थी कि हम अगले 5 साल तक यानी 2019 तक, जो कि सहयोग से महात्मा गांधी जी का 150वां जन्मदिन होगा, तब तक हमें भारत को स्वच्छ बनाना है। क्योंकि होता क्या, जैसे अभी स्वाइन फ्लू का कभी कॉलरा हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी पीलिया हो जाता है, बहुत कॉमन चीजें आपने देखा में देखा होगा, और ज्यादा बच्चों में जल्दी जाता है, आप देखते हो बच्चों बुखार आ गया, टाइफाइड हो गया, बहुत कॉमन चीजें होती गाँव में, होती क्यों है, वो होती सिर्फ और सिर्फ गंदगी से है, बच्चों में इतनी बीमारियां होती है, इवन खांसी हुआ। तो जब सर्व शिक्षा अभियान का हटना था आजाद देश और
सकता तो एक सपना जो है स्वयं पूरा करने गए हो आजा देश को उन्होंने आया कराया, लेकिन उनके सपनों को दूसरा जो सपना था उसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया। जिन्होंने हमें अपने देश में आजादी दिलवाई उन्होंने अपने एक सपने को अपने जिंदा रहते ही पूरा कर दिया और आज उनको इतना समय हो गया मृत्यु हुई उनकी, लेकिन हमने उनके दूसरे सपने को साकार नहीं कर पाया। और दूसरा सपना स्वयं हमारे लिए उन्होंने सोचा था कि अगर आदमी अपने स्वच्छ जगह में रहेगा साफ सुथरी जगह में